नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास, बलि का बकरा पार्ट 3। नटियाल के बार तक आते आते पांडे तनाव मुक्त हो चुका था। अब उसके दिमाग में बम और डकैती थी। यह जुदा बात थी कि कभी कभार उसकी आंखों के सामने नीना का जानलेवा हुस्न भरा शरीर घूम जाता था। मोटे नटियाल ने खोज भरी निगाह मंगल पांडे पर मारी। पांडे बार काउंटर पर पहुंचा, तभी मोटे नटियाल का स्वर उसके कानों में पड़ा। साहब को एक बढ़िया पैक बना कर दो, इन्हें विस्की की जरूरत है। पांडे नटियाल की ओर घूमा। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तो ठीक है, लेकिन मुझे तेरी ठीक नहीं लग रही। क्या मतलब? पहले पैक पी ले, तब मेरी बात आसानी से तेरी समझ में आएगी। तभी बारमैन ने विस्की का एक पैक बनाकर काउंटर पर रख दिया। मंगल ने एक ही सांस में पैक खाली कर दिया। और पीनी है? जल्दी क्या है, पांडे ने लापरवाही से कहा। पी लेंगे। आ, कहाँ? मेरे साथ कमरे में, तुझसे बात करनी है। अभी करनी है? हाँ, फिर चल। वह दोनों गैलरी पार करके पीछे वाले कमरे में जा पहुँचे। कुर्सी पर बैठने के बाद पांडे ने सिगरेट सुलगाई और कष्ट लेते हुए बोला, बता अब क्या कहना चाहता है तू? तूने आज तक जो भी काम किया मुझे बताया कि तू क्या करने जा रहा है। जरूरत पड़ने पर मैंने सलाह भी दी तुझे। दी तो अब तेरा मुंह क्यों बंद है? समझा नहीं? उस दिन कौन आया था तेरे से मिलने, जिसे कमरे तक ले आया था? मैंने तो उसकी सूरत पहले कभी नहीं देखी थी। पांडे खामोश रहा। नहीं मुंह खुल रहा ना उसके बारे में। अच्छा छोड़ इसे, तू यह बता आ कहाँ से रहा है? यूं ही घूमने गया था। घूमने गया था, ठीक है। नटियाल ने सिर हिलाया। खड़ा हो क्या? पांडे ने उसे हैरानी से देखा। खड़ा तो हो। असमंजसता में घिरा पांडे खड़ा हो गया। नोटों की गड्डियां निकाल। पांडे ने जेब में हाथ डाला और चारों गड्डियां उसने मेज पर रख दी। 40,000, ये कहां से मिला तुझे? पांडे के चेहरे पर बेचैनी की लहरें उभरी। मंगल, आज मुझे तेरे व्यवहार पर हैरानी हो रही है। मैंने तुझे दोस्त कम और भाई ज्यादा माना है। तेरा रवैया मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है तो कैसा है? मैंने आज तक तेरे से कुछ नहीं छुपाया। तो आज क्यों छुपा रहा है? आज तक मैंने अपनी योजना पर काम किया, अतः बताने में कोई हर्ज नहीं समझता था। लेकिन इस समय मैं किसी और की योजना पर काम कर रहा हूँ और उसने मना कर रखा है बात आगे करने को। बस यही बात है। जो आया था यहाँ उसी की योजना पर काम कर रहा है तू? हाँ ठीक है, उसने मना किया और तूने बात आगे नहीं की। लेकिन क्या मैं भी आगे वाले लोगों में आता हूँ? अरे मुझसे की बात क्या बाहर जाएगी? अरे बता तो। वह देवराज चौहान था, पांडे बोला। देवराज? वह खतरनाक आदमी? हाँ। क्या काम करने जा रहा है? 9.5 करोड़ की बैंक डकैती। इस काम में तू अकेला है या 2-4 आदमी और भी हैं? और भी हैं, वह भी तेरी तरह खतरनाक ही होंगे। हाँ, और पांडे ने आज की हुई मीटिंग के बारे में उसे सब कुछ बता दिया, साथ ही नीना पाटेकर से हुए झगड़े के बारे में बता दिया। वह तो बहुत खतरनाक लड़की है, अगर वह तुझे गोली मार देती तो? छोड़ इन बातों को, पांडे लापरवाही से बोला, मैं सबको देख लूँगा। देखना डकैती के बाद, अभी नहीं। यह 40,000 किस लिए? बम खरीदने के लिए। तू ऐसा कर, रामविलास के पास चला जा, सारा काम संभल कर करना। पांडे सिर हिलाकर बाहर निकल गया। मोटा नटियाल वहीं कुर्सी पर बैठा भारी सोच में डूबा रहा। मंगल पांडे ने श्यामली के घर में प्रवेश किया तो खूब चंद को लूंगी को 2×4 किए एक कुर्सी पर बैठे पाया। श्यामली उसे देखते ही चहक उठी। आज तो बहुत दिनों के बाद आया तू, टेम नहीं मिला तेरे पास आने को। तू ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गला बड़ा खुश हो रहा है, अभी लाई। कुछ क्षण बाद श्यामली जब लौटी तो उसके हाथ में विस्की से भरा एक गिलास था। वह पांडे के करीब बैठती हुई बोली, कहाँ था तू इतने दिन तक? बोला ना टेम नहीं था। क्या कर रहा है? वही जो पहले करता था, उसने कहा और एक ही सांस में पैक पी लिया। श्यामली ने मंगल पांडे का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। एक बात कहूँ? कह, बुरे काम छोड़ दे। मैं तुझे कहूँ कि धंधा छोड़ दे तो क्या छोड़ देगी? हाँ छोड़ दूंगी, तू कह के तो देख। शरीफ कब से बन गई तू? मजबूरी है, नहीं तो शरीफ मैं पहले से ही थी। ठीक है तू धंधा छोड़ दे, 10-15 दिन में मैं तुझे इतना पैसा दे दूंगा कि तुझे पेट भरने की चिंता नहीं रहेगी।
कहां से आएगा 10-15 दिन में पैसा? बैंक में डकैती डालने जा रहा हूं। यह मेरी जिंदगी का आखिरी काम है। इसके बाद मेरे पास दौलत की कमी नहीं रहेगी। सारी जिंदगी चैन से काटूंगा। मंगल, अगर तुझे कुछ हो गया तो? आज तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा? तुझे अगर मेरे साथ जिंदगी बितानी है तो अपना बोरिया बिस्तर तैयार रख। कहने के बाद पांडे उठा और पलट कर बाहर निकल गया। श्यामली उसे देखती रह गई। पांडे के जाते ही खूब चंद ने भीतर प्रवेश किया। मालूम किया? क्या? श्यामली ने उसे देखा। यही कि आजकल वह किस फिराक में है? पूछा था लेकिन उसने बताया नहीं। वह लापरवाही से बोली, हैरान चादी, झूठ बोलती है। मैं सब सुन रहा था। वह किसी बैंक में डाका मारने जा रहा है। सुना है तो मुझसे क्यों पूछता है? ज्यादा उड़ मत मुझसे, वह गुर्राया। किस बैंक में डाल रहे है डकैती? तू सब सुन रहा था तो यह भी सुना होगा। यह नहीं सुना, तभी तो पूछ रहा हूँ। इस बारे में वह कुछ नहीं बोला। तूने पूछा क्यों नहीं? वह जल्दी में था। मेरे सामने चालाक बनती है? खूब चंद दांत पीसता हुआ आगे बढ़ा और उसकी बाह पकड़कर ऐंठ दी। मैंने तेरे को जो काम पूरा करने को कहा था वह तूने पूरा क्यों नहीं किया? बात छोड़ कमीने, श्यामली दर्द से चीखी। खूब चंद ने गुस्से से झटका देकर उसकी बाह छोड़ दी। आज के बाद अपनी दादागिरी किसी और को दिखाना। अगर मेरे पे जोर आजमाइश की तो ठीक नहीं होगा, समझे? अच्छा तो फिर तू क्या करेगी? तेरा खर्चा बंद कर दूंगी, एक पैसा भी तुझे नहीं दूंगी। श्यामली, दफा हो जा यहाँ से। चूहे जैसा दिल है, हिम्मत है नहीं और चला है मंगल के काम में दखल देने। खूब चंद दांत पीसता हुआ दूसरे कमरे में जाकर कपड़े चेंज करने लगा। उसने निश्चय किया कि पांडे के मामले में वह कुछ न कुछ करके रहेगा। अब वह डालचंद के घर का एक चक्कर लगा आना चाहता था। डालचंद घर पहुंचा तो साथ में ढेर सारा सामान उठाए हुए था। यह क्या है बेटा? शारदा देवी उसे देखते ही चारपाई से उठ बैठी। घर का सामान है माँ। ओ कमला, ले ये सारा सामान ठिकाने लगा दे। आई भैया? दूसरे कमरे से कमला आई और सामान समेटने लगी। इधर आ। शारदा देवी चारपाई पर सरक कर एक तरफ हो गई। यहाँ बैठ। डालचंद आगे बढ़ा और चारपाई के एक कोने पर जा बैठा। बोल माँ, क्या बात है? तू आजकल किस फेर में है? मैं समझा नहीं माँ। ढेर सारे पैसे ले आया, तुझे कहाँ की नौकरी मिली है? डालचंद मुस्कुराया। माँ तू क्यों फिक्र करती है? बेटे, माँ तो होती ही है फिक्र करने के लिए। बता तो कैसी नौकरी है यह, जो पैसे तो ढेर सारे देती है लेकिन काम नहीं लेती। माँ कई तरह की नौकरियाँ होती हैं, तू नहीं समझेगी इन बातों को। तू मुझे बच्ची समझता है? मैं? माँ, डालचंद बीच में ही बोल पड़ा, मेरी घूमने की नौकरी है, तू नहीं समझेगी। अब देखो ना, कुछ ही दिनों बाद कंपनी वाले कुछ दिन के लिए इस शहर से बाहर भेज रहे हैं। बाहर कहाँ? टूर पर, कंपनी का ऑर्डर वगैरह लाना पड़ता है ना। डालचंद हंसकर कह उठा, अब तो तुम्हारा इलाज भी कराऊंगा। कमला की शादी भी 2-4 महीने में अच्छा सा लड़का देख कर दूंगा। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तेरी रोजी रोटी को सलामत रखे। तभी कमला पानी का गिलास ले आई। डालचंद ने पानी पीकर गिलास उसे थमाया। चाय रखी है भैया, कमला ने कहा और गिलास लेकर चली गई। तभी दरवाजा थपथपाया गया। कौन आ गया? देखता हूँ माँ। डालचंद उठा और आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने खड़े व्यक्ति को देखते ही वह चौंका। 40 बरस की मीडियम सेहत वाला, चेहरे से दादा नजर आने वाला व्यक्ति खड़ा था। वह पसंद था, राजा राम का आदमी। तुम? डालचंद के होठों से निकला। हाँ, तुम्हें राजा राम ने बुलाया है? राजा राम ने? हाँ, कुछ काम है लेकिन इन दिनों में व्यस्त हूँ इसलिए नहीं आ सकता। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारी बात को इनकार करे? उसके दांत भिज गए। धमकी मत दे मुझे, तेरा थोबड़ा बिगाड़ कर रख दूंगा। तू मुझे ऐसा बोला, राजा राम से कह दूं? उसने कहा। हाँ हाँ कह दे, साथ में बता देना कि तूने क्या कहा है। फुट साले, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू, राजा राम तेरा होश दुरुस्त कर देगा। दफा हो जा नहीं तो यहाँ से टूटा थोबड़ा लेकर जाएगा। बसंत ने दांत भींचकर उसे घूरा फिर पलटकर चला गया। डालचंद पलटा तो शारदा देवी बोल पड़ी, कौन था बेटे? कंपनी से एक आदमी आया था माँ, कुछ काम था, कह दिया सुबह आऊँगा। अभी चला जाता? अभी तो लौटा हूँ, आते ही कैसे चला जाऊँ? कमला चाय ला। कमला ने चाय का गिलास उसे दे दिया।
डेढ़ घंटे बाद डालचंद के घर का दरवाजा पुनः खटखटाया गया। डालचंद ने दरवाजा खोला। बाहर भीमराव था, राजा राम का आदमी। क्या बात है, पहले पसंद आया और अब तू? डालचंद ने पूछा। तूने पसंद को मना किया? भीमराव सख्त स्वर में बोला, किया। साला अपने आप को तोप समझ रहा था। उसे समझा कर भेजना चाहिए था कि डालचंद कुत्तों की तरह भौंकने वाले आदमियों को कभी पसंद नहीं करता। वह तेरे से टेढ़ा बोला था। भीमराव का तनाव कुछ ढीला पड़ा। हाँ, जैसे मेरा मालिक हो। मुझे नहीं पता था, मैं बात करूंगा उससे। अब तो चल। कहाँ? राजा राम के पास, काम है। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, डालचंद ने सर हिलाकर कहा। तू कितना भी थका क्यों न हो, तुझे चलना ही पड़ेगा, खास काम है। क्या खास काम है? राजा राम के पास क्या खास काम होता है? कहीं माल पहुँचाना है? शायद ऐसा ही हो, मेरे को पक्का पता नहीं है। अब चल। ठहर, मैं माँ को बोल कर आता हूँ। यह भी बोल देना कि तू रात को शायद घर ना आ सके। राजा राम, गैंगस्टर राजा राम, स्मगलिंग, चोर बाजारी, काला बाजारी, डकैती, कत्ल, यानी समय के अनुसार वह हर काम कर लेता था। उम्र 50 बरस, 5 फीट लंबाई, पतला गठा बदन, परंतु दिलदार आदमी था। खतरे से भरा हर काम हंसकर करता था। इनकार सुनने का आदि नहीं था वह। राजा राम ने गहरी निगाहों से डालचंद को घूरते हुए कहा, तूने आने से मना किया था? हाँ, यह जानकर भी मना किया कि तेरे को मैंने बुलाया है। हाँ, इतनी हिम्मत आ गई तेरे में? इसमें हिम्मत की क्या बात है? वह बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहा था। कमाल है, तू पसंद से नहीं डरा? उसके बाप की खाता हूँ क्या जो डरूं? तू अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझता है क्या? दादा तो तू है, मैं तो कुछ भी नहीं। काम बोल, बुलाया क्यों है मुझे? राजगढ़ माल पहुंचाना है। इस समय शाम के 8 बजे हैं। तेरे को फास्ट ड्राइविंग करनी है, बिना एक्सीडेंट के ठीक 10 बजे वहां पहुंच जाना है। अगर 10:30 बज जाए तो कौन सी आफत आ जाएगी? आ जाएगी, तेरे को नहीं मालूम। राजा राम अपनी जुबान का पक्का है। तेरे साथ बसंत जाएगा, साथ में दो और। बसंत नहीं जाएगा मेरे साथ। काय को? मेरे को वह आदमी पसंद नहीं। वही जाएगा तेरे साथ। अगर वह जाएगा तो कार भी वही चलाएगा, मैं नहीं। राजा राम ने सख्त निगाहों से उसे घूरा। तू मेरी बात को मना कर रहा है? हाँ, काम मैंने करना है। काम के समय मेरी नापसंद का आदमी साथ होगा तो कार उलट भी सकती है। राजा राम, राजा राम कई पल उसे घूरता रहा। भीमराव चलेगा? चलेगा। ठीक है, भीमराव ही जाएगा तेरे साथ। अब जा, जल्दी कर। कितना मिलेगा? 10। पिछली बार तो 25 दिया था। तब काम खतरनाक था, पुलिस का रेड अलर्ट था हर तरफ। अब भी खतरनाक है, रास्ते में कई पुलिस बैरियर पड़ेंगे। तो क्या वह तेरे को पकड़ने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं? अगर पकड़ ले तो? भागना पड़ेगा बैरियर तोड़कर। तब ठीक है, 15 ले लियो। अब जा, जल्दी कर, भीमराव को अंदर भेज दे। डालचंद बाहर निकल गया। अगले दिन शाम को सब देवराज के घर पर इकट्ठे हुए। मंगल पांडे एक छोटी सी एयर बैग के साथ वहां पर पहुंचा था। इस बैग में पूरे 12 पंप हैं, पावरफुल और धमाकेदार। जिससे यह लिए हैं उसे 12,000 रुपए और देने हैं। देवराज चौहान ने बैग से पंप निकालकर उसका मुआयना किया। धोखा तो नहीं देंगे यह? नहीं, 52,000 के आए हैं। हाँ, अब तुम्हें 12 और देने हैं? हाँ। देवराज ने जगमोहन को देखा। इसे 12,000 और दो। क्यों दूँ, हमें क्या मालूम 52 के आए हैं या 35,000 के? मंगल के चेहरे पर क्रोध नाच उठा। तुम्हारा मतलब कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? गुर्राया वह। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, तुम खामोश रहो, जगमोहन दांत भींच कर बोला। तुमने मुझे धोखेबाज कहा है? पांडे चीखा। कान खोल कर सुन ले, 10-20 की हेरा फेरी नहीं करता मैं। जब करता हूँ तो मोटे माल की करता हूँ। अपने जैसा सबको मत समझ। जगमोहन कुछ कहने वाला था कि देवराज चौहान की आवाज़ सुनकर ठिठका। इसे 12,000 दे दे, साथ में मुंह बंद रख। भुन भुनाता हुआ जगमोहन दूसरे कमरे में गया और 12,000 के साथ लौटा। नोटों को टेबल पर रख दिया। मैंने अभी 12,000 बम वाले को देने हैं, पांडे पैसे उठाता हुआ बोला। वह इस मामले में किसी से उधार नहीं करता, लेकिन मेरी पुरानी पहचान वाला है और मैं इस बात की जरूरत भी नहीं समझता कि तुम में से किसी को उस तक ले जाओ। हमें उसके पास जाने की जरूरत ही नहीं है, नीना पाटेकर ने मुंह खोला। हमें इस बात का विश्वास है कि छोटी सी रकम के लिए तुम गलत नहीं कहोगे। मंगल पांडे ने नीना पाटेकर पर निगाह मारी,
फिर मुंह फेर लिया। तुम लोग परसों सुबह 8 बजे यहाँ आ जाना। 30 तारीख है और इन बमों के दम पर हमें मुल्क राज कंपनी का 5.5 करोड़ रुपया बैंक से बाहर जाने से रोकना है। हमें पूरी कोशिश करनी है कि 31 की अपेक्षा पहली को ही सेवाराम मेवाराम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के पैसे के साथ बाहर निकले और हम निकलने से पहले ही डकैती कर ले। परसों सुबह मैं बताऊंगा कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। हमें हर काम सावधानी और संभल कर करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि 31 को कोई ऐसी गड़बड़ हो कि पहली को होने वाली डकैती खटाई में पड़ जाए। कैसी गड़बड़? उस्मान अली बोला। गड़बड़ की कोई उपमा शक्ल नहीं होती उस्मान अली। मैंने ऐन मौकों पर ऐसी ऐसी गड़बड़ें होती देखी हैं कि इंसान बौखला उठता है। ऐसे मौकों पर हमेशा संयम से काम लेना चाहिए। जरा सी घबराहट इंसान को मौत के मुँह में धकेल देती है। इस बात को हमेशा अपने पल्ले बांध कर रखना, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। उस्मान अली सिर हिलाकर रह गया। तो अब परसों सुबह 8 बजे आए? मंगल पांडे बोला। हाँ, 9:30 बजे तक हमें बैंक के सामने पहुंच जाना है और ठीक 10 बजे एक्शन में आ जाना है। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। ठीक है। पांडे ने डालचंद को देखा। मेरी रिवॉल्वर दे। लाया नहीं, डालचंद ने जेब टटोल कर कहा। लाया नहीं क्या मतलब? पांडे के होठों से सख्ती भरे शब्द निकले। मतलब कि नहीं लाया, डालचंद ने तीखे स्वर में कहा। भूल गया, क्योंकि रिवॉल्वर जेब में रखने की आदत नहीं है मुझे। आदत होती तो लेकर आता। मुझे रिवॉल्वर चाहिए, मंगल पांडे एक एक शब्द चबाकर बोला। परसों सुबह जब यहाँ आओगे तो ले लेना। भूलूंगा नहीं, ले आऊंगा। और अगर इस बीच मुझे रिवॉल्वर की जरूरत पड़ गई तो? हद से हद मर ही जाएगा ना। कोई बात नहीं, मैं सुनो, नीना पाटेकर ने बीच में टोका और मंगल पांडे से कहा, अगर तुम्हें वास्तव में रिवॉल्वर की जरूरत है तो मुझसे ले लो। परसों डालचंद तुम्हारी ले आएगा तो मैं अपनी वापस ले लूंगी। मंगल पांडे ने कुछ नहीं कहा। नीना पाटेकर पर निगाह मारकर दांत भींचे, डालचंद को देखते हुए पलटा और नोटों को जेब में डालते हुए बाहर निकल गया। नीना पाटेकर ने कंधे उचकाए और डालचंद से बोली, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। नहीं, यह अभी नहीं जाएगा, मुझे इससे कुछ काम है, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। तुम जाओ, इसे अभी 4 घंटे लग जाएंगे। नीना पाटेकर सिर हिलाकर उठी और डालचंद पर निगाह डालकर बाहर निकल गई। उस्मान अली भी चला गया। डालचंद ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। डालचंद, मैं तेरे को वह जगह दिखाना चाहता हूँ जहाँ पर तुझे डकैती के बाद नोटों से भरी कार ले जानी है। मैं चाहता हूँ तू बैंक से लेकर वहाँ तक के सारे रास्ते जान ले, तब भागते समय जाने तुझे किन किन रास्तों से गुजरना है, समझा? तू हर उस रास्ते को जान ले जो बैंक से वहाँ तक जाता है। अब तुझे आराम से नहीं बैठना, रास्तों की पहचान करने लग जाना है। तुझे वह ठिकाना बता देता हूँ, कल से तू रास्तों की पहचान पर लग जाएगा। डालचंद ने सहमति से सिर हिलाया। और वह ठिकाना तू किसी को भी नहीं बताएगा? मैंने भला किसको बताना है? नीना पाटेकर को, देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। वह तुझ पर मेहरबान लग रही है, औरत की आंखों को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम दोनों जो भी करो, मुझे इस बात से कोई वास्ता नहीं, लेकिन हम में जो बात हो वह बाहर ना जाए। वह मुझ पर मेहरबान है तो उसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ सामने खोल कर रख दूंगा, डालचंद ने लापरवाही से बोला। मेरा उसका कोई मेल नहीं, तुम इस मामले में किसी बात की फिक्र ना करो। साली, अपने पर कोई मेहरबान नहीं होती, जगमोहन होठों ही होठों में बड़बड़ाया। देवराज चौहान डालचंद के साथ शहर की सीमा पर फार्मों के बाग में पहुंचा। वहां काफी सारे फार्म बने हुए थे, अमीर लोगों की आरामगाह। जब भी मौज मस्ती का मूड होता तो यहां पर आ जाते। उन्हीं फार्मों के बीच छोटा सा फार्म देवराज चौहान ने महीनों पहले ही किराए पर लिया था। डालचंद के साथ वह उसी फार्म पर पहुंचा। फार्म 2000 गज में था। बाउंड्री की जगह पर 6 फीट की ऊंची कांटेदार तारे थी। तारों के साथ साथ सफेदे के पेड़ काफी ऊंचाई तक जा रहे थे। प्रवेश द्वार की जगह लकड़ी का 12 फीट लंबा चौड़ा और ऊंचा फाटक लगा हुआ था। फाटक से कच्चा रास्ता फार्म पर बनी कॉटेज पर जाता था, जो कि फार्म के ठीक बीचों बीच बनी हुई थी। वह 4 कमरों की कॉटेज थी। एक कमरा आम कमरों से 2.5 गुना आकार का था। देवराज चौहान ने कार को कॉटेज के समीप रोका और नीचे उतरा। डालचंद भी बाहर आ गया।
उसने एक एक चीज को ध्यान से देखा। यहाँ लाना है कार को, डालचंद ने पूछा। हाँ आओ, देवराज चौहान कॉटेज के गिर्द घूमता हुआ पिछली तरफ आ गया। कॉटेज के पीछे फूस का छोटा सा कमरा बना रखा था, ऊपर छत पर भी फूस था। एक तरफ का हिस्सा बिल्कुल खाली छोड़ रखा था। इस खाली हिस्से से तुम कार को भीतर लाओगे, बाद में इस जगह भी फूस की लटकती दीवार बन जाएगी, जिसे हटाकर भीतर प्रवेश किया जा सकेगा। डालचंद ने सिर हिलाकर आसपास देखा। यहाँ पर कोई बाहर का आदमी तो नहीं आ सकता, डालचंद ने पूछा। नहीं, 99% तो नहीं आ सकता। डकैती के बाद यहाँ लगातार पहरा दिया जाएगा, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर आसपास निगाहें दौड़ाते हुए कहा। इतनी बड़ी डकैती और मोटे माल के बाद कोई गड़बड़ हो, यह बात किसी को अच्छी नहीं लगेगी। डालचंद ने सहमति से सिर हिलाया। लेकिन यहाँ पर रहेंगे कब तक? कम से कम 1 महीना। इस बीच आराम से माल का बंटवारा किया जाएगा, तब तक पुलिस की सरगर्मियाँ कम हो जाएंगी। उसके बाद सब अपने हिस्से का माल लेकर अपने अपने रास्ते चल पड़ेंगे। जिसे पुलिस के जाल में फंसना होगा वह माल को जल्दी उड़ाना शुरू कर देगा, जिसे बचना होगा वह साल भर इंतजार करेगा। डालचंद ने पुनः सिर हिलाया। एक बात तो बताओ, देवराज चौहान ने उसे देखा, 9.5 करोड़ की डकैती होगी, मुझे सिर्फ 50,000 मिलेगा। जब मैंने तुम्हें 1 करोड़ कहा था तो तब तुमने काम करने को मना कर दिया था, तब मैंने समझा तुम खामखा मुझे कहीं फंसाने जा रहे हो। देवराज चौहान हंसा। अब क्या समझ रहे हो तुम? अब तो सब मामला समझ में आ गया है, मेरे लिए कोई खास दिक्कत नहीं। चिंता मत करो, देवराज चौहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा, तुम्हें 1 करोड़ ही मिलेगा। सवाल यह नहीं कि तुम डकैती में हिस्सा नहीं लोगे, सवाल यह है कि डकैती के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम तुमने ही करना है। मेरे साथ जो काम करता है बराबर का हिस्सेदार ही बनता है, धोखेबाजी मेरी फितरत में शामिल नहीं। डालचंद ने प्रशंसा भरी निगाहों से उसे देखा। एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे दगाबाजों से सख्त नफरत है। डकैती के दौरान किसी तरह की कोई हेरा फेरी करने की कोशिश मत करना, वरना। क्या कहते हो? डालचंद उसकी बात काट कर हड़बड़ा के कह उठा। भगवान का नाम लो, मैं भला उल्टा सीधा काम क्यों करने लगा? समझाना मेरा फर्ज था, तुमने मेरे सिवाय किसी को यह जगह क्यों नहीं दिखाई? डालचंद ने एकाएक कहा। तुम्हें दिखाना तो मजबूरी थी, 1 तारीख को कार ड्राइव करके यहाँ लानी है, किसी और को बताना ठीक नहीं। 9.5 करोड़ रुपया कैश, करीब 1 महीना भर यहाँ रखना है। अगर किसी के मन में बेईमानी आ गई तो वह पहले ही अपने आदमी यहाँ लाकर छिपा सकता है, तब 9.5 करोड़ कैश ही नहीं, हम लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन पैसा आ जाने के दौरान भी तो वह लोग बाहर निकलेंगे? नहीं निकलेंगे, यहाँ पर एक बार आ जाने के बाद महीना भर यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकेगा, देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह उठा। अगर कोई बाहर जाना चाहे, इस कैद को मंजूर ना करे तो? देवराज चौहान का चेहरा पल भर के लिए दरिंदगी से भर उठा, किंतु फिर तुरंत ही सामान्य हो गया। उसे मार कर उसकी लाश फार्म के किसी हिस्से में दबा दी जाएगी, हम सबको साथ मिलकर ही चलना होगा। जो लाइन से हटकर चलेगा वह मरेगा, क्योंकि मैं किसी भी हालत में इस बार दौलत को हाथ से नहीं निकलने दूंगा। इस बार तुम नहीं समझोगे, इस बार का क्या मतलब है? देवराज चौहान एकाएक मुस्कुराया। तुम कल सुबह वजीर चंद प्लेस से लेकर यहाँ तक जो भी रास्ता आता है उसे देखो, अच्छी तरह पहचानो। डकैती के बाद हालात कैसे होते हैं, जाने किस रास्ते से भागना पड़े। मैं नहीं चाहता कि तुम रास्ता भटक जाओ और पुलिस के जाल में फंसो। ठीक कह रहे हो तुम, वजीर चंद प्लेस से जो जो रास्ता यहाँ तक आता है उन्हें मैं 2 ही दिन में अच्छी तरह पहचान लूंगा। कॉटेज को भीतर से देखोगे? देख लेते हैं। देवराज चौहान ने कॉटेज के सामने वाले हिस्से की तरफ जाकर जेब से चाबी निकालकर लॉक खोला और दोनों भीतर प्रवेश कर गए। डालचंद ने अच्छी तरह सारी कॉटेज देखी, फिर दोनों वापसी के लिए रवाना हो गए। तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? कार ड्राइव करते हुए देवराज चौहान ने पूछा। कुछ मत पूछो, डालचंद ने गहरी सांस ली। कल एक राक्षस पीछे पड़ गया था। मैं समझा नहीं। राजा राम को जानते हो ना, 3 महीने पहले मैंने उसका माल कहीं पहुंचाया था, तो कल रात उसके आदमी मुझे लेने आ गए। राजा राम ने बुलाया था, माल को 2 घंटे में राजगढ़ पहुंचाना था, जबकि रास्ता 3 घंटे का था। मरता क्या ना करता,
गले में राजाराम जैसे इंसान की घंटी बंधी थी। काम करना पड़ा, सारी रात इसी भाग दौड़ में रहा, सुबह घर जाकर सोया। ओह, देवराज ने सिर हिलाया। बहरहाल दो चार दिनों के लिए सारे काम बंद कर दो, मैं नहीं चाहता कि उल्टा सीधा काम करते हुए पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाओ, इससे हमें परेशानी होगी। वैसे भी मोटे माल की तरफ देखो, छोटे काम करते रहने का मतलब है कि एक न एक दिन फंसना। डालचंद गहरी सांस लेकर रह गया। खूबचंद की खोपड़ी खूब हिलडुल गई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि डालचंद किस फेर में है। उस समय वह डालचंद के घर पर नजर रख रहा था जब राजा राम का आदमी बसंत और बाद में भीमराव लेने आया था। डालचंद उनसे सिर्फ 20 गज की दूरी पर दीवार की ओट में खड़ा था। तब भीमराव जब उसे कार में लेकर गया तो खूबचंद ने उसका टैक्सी से पीछा किया। तब उसने राजा राम का अड्डा देखा। राजा राम के अड्डे को वह नहीं जानता था। कुछ देर नजर रखने और अपनी समझदारी के बलबूते पर पूछताछ करने पर उसे मालूम हो गया कि यह मशहूर गैंगस्टर राजा राम का अड्डा है। तब खूबचंद की खोपड़ी को करंट लगा था। वह समझ नहीं पाया था कि डालचंद एक तरफ तो देवराज चौहान, नीना पाटेकर और मंगल पांडे जैसे खतरनाक लोगों के साथ डकैती की योजना में घुसा हुआ है और इधर राजा राम से संबंध बनाए हुए है। उसके बाद डालचंद जब भीमराव और दो आदमियों के साथ कार में राजा राम के अड्डे पर से रवाना हुआ तो खूबचंद वहीं खड़ा रहा, क्योंकि तब उसके पास उसके पीछे जाने की सवारी मौजूद नहीं थी। टैक्सी स्टैंड दूर था। वह खड़ा हुआ, तूफानी गति से जाती कार को देखता रहा। घर आकर सोचने लगा तो नींद नहीं आई। दिमाग में यही घूमता रहा कि डालचंद किस फेर में है, वह क्या करना चाहता है। लाख सिर घुमाने के बाद भी जब कुछ समझ न पाया तो विस्की के दो तगड़े पैक बनाकर बेड पर जा लेटा। थोड़ी बहुत बेचैनी के बाद नींद आ गई। अगले दिन 10 बजे उठा, तब भी वह रात वाली बात ही सोच रहा था। नहा धोकर तैयार हुआ। शामली द्वारा बनाया गया नाश्ता भी रखा रह गया। वह जल्द से जल्द डालचंद की निगरानी पर पहुंचना चाहता था। रास्ते में ही थोड़ा नाश्ता किया और डालचंद के घर के आगे जा टिका। सारा दिन धूप में ही सूखता रहा। शाम को जाकर कहीं डालचंद नजर आया, तैयार होकर घर से निकला। खूबचंद उसके पीछे चल पड़ा। दोनों टैक्सी पर आगे पीछे देवराज चौहान के ठिकाने पर पहुंचे। वह अपनी छिपने वाली जगह पर जा पहुंचा। उसके बाद खूबचंद ने मंगल पांडे, उस्मान अली तथा नीना पाटेकर को वहां प्रवेश करते देखा। उसका मन तो किया कि मकान के करीब जाकर किसी खिड़की से कान लगाकर भीतर की बात सुने, परंतु अपनी इस इच्छा को दबाकर रह गया। भीतर एक से एक दरिंदे मौजूद थे। अगर पकड़ा गया तो उसकी लाश का भी पता नहीं चलेगा कि वह कहाँ गई। पौने घंटे बाद ही सब बाहर निकले और अपने अपने रास्तों पर बढ़ गए, परंतु डालचंद बाहर नहीं निकला। खूबचंद को डालचंद के बाहर आने का इंतजार था, क्योंकि वह जानना चाहता था कि क्या आज भी वह राजा राम के पास जाता है या नहीं। अगर जाता है तो सीधा मतलब है कि डालचंद किसी तगड़े फेर में है। 15 मिनट बाद डालचंद निकला, साथ में देवराज चौहान भी था। दोनों बाहर खड़ी कार में बैठे और वहां से रवाना हो गए। खूबचंद दौड़ा और मोड़ पर बने टैक्सी स्टैंड पर से टैक्सी लेकर कार के पीछे चल दिया। जब फार्म वाला इलाका आया तो उसने अपनी टैक्सी को पहले ही रुकवा लिया, यह सोचकर कि खुला इलाका है, उन लोगों की निगाह में टैक्सी आ सकती है। इस तरह खूबचंद ने उनका फार्म वाला अड्डा भी देख लिया। अगला दिन सबका सामान्य ढंग से बीता। 29 तारीख थी। मंगल पांडे मोटे नटियाल के बार में पड़ा शराब पीता रहा और आराम करता रहा। वह जानता था कि कल सुबह भागा दौड़ी वाला खतरनाक काम करना है। उस्मान अली अपने घर से बिल्कुल भी नहीं निकला, सिर्फ रात को निकला और खाना पैक करवा कर घर पर ले आया। नीना पाटेकर रेस्टोरेंट के ऊपर घर में बंद रही। उसे डकैती के सफल हो जाने की पूरी संभावना थी। वह भी पूरी तरह इस हक में थी कि कल बैंक से निकल जाने वाले 5.5 करोड़ बैंक में ही रहे तो परसों डकैती में 9.5 करोड़ का हाथ मारा जा सकता है। 5.5 करोड़ कल न निकले, इसके लिए मन ही मन उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह पैसा रुकवा कर ही रहेगी। डालचंद सुबह सुबह ही घर से निकल गया था और वजीरचंद प्लेस पहुंचकर उसने टैक्सी किराए पर ली और दिन भर नए नए रास्तों से वजीरचंद प्लेस से फॉर्म तक आता जाता रहा, रास्तों की पहचान करता रहा। 31 तारीख को सुबह 8 बजे सब देवराज चौहान के ठिकाने पर पहुंचे। आने वालों में डालचंद नहीं था,
देवराज चौहान ने सब पर निगाह मारी। सब लोग पूरी तरह तैयार होकर आए हैं, देवराज चौहान ने कहा। आज तुम लोगों ने अपनी समझदारी और तेज तर्रारी का सबूत देना है। सबकी गंभीर दृष्टि देवराज चौहान पर जा टिकी। डालचंद नहीं आया, एकाएक नीना पाटेकर बोल पड़ी। देवराज चौहान ने उसे सख्त निगाहों से देखा। तुम्हारा डालचंद से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, तो फिर अपने काम से मतलब रखो, देवराज चौहान तीखे स्वर में कह उठा। नीना पाटेकर को कहते ही अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह यहाँ पर डालचंद के बारे में पूछने नहीं बल्कि जिस काम के लिए आई है उसे उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आज फिर उसने मंगल पांडे की निगाहों को अपने शरीर पर चुपते पाया, परंतु वह खामोश रही, इस बारे में कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद उन सब ने खतरनाक काम को अंजाम देना था और ऐसे मौके पर वह झगड़ा वगैरह करके माहौल को खराब नहीं करना चाहती थी। देवराज चौहान ने पुनः कहना शुरू किया। आज हमें बेशक अपनी जान पर क्यों न खेलना पड़े, लेकिन 5.5 करोड़ कैश से भरी वैन को बैंक से नहीं निकलने देना। 5.5 करोड़ को हर हाल में बैंक में ही पड़े रहने देना है, ताकि कल जब हम बैंक में डकैती करें तो इस 5.5 करोड़ को मिलाकर पूरा 9.5 करोड़ रुपया हमारे हाथ लगे। अगर तुम लोग सावधानी और समझदारी से चले तो हम अपनी योजना में आसानी से कामयाब हो सकते हैं और कल 9.5 करोड़ के मालिक बन सकते हैं। आज हमें मुल्क राज एंड कंपनी वाले 5.5 करोड़ रुपए को बैंक से निकलने से कैसे रोकना है, यह मैं अब बताता हूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने सबको योजना बताई। 10 मिनट तक वह इस बारे में उन्हें समझाता रहा। सब ने देवराज चौहान के कहे एक एक शब्द को ध्यान से सुना। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। बमों वाला थैला लाओ। जगमोहन बमों वाला थैला ले आया। इसमें 12 बम है, 3-3 तुम चारों ले लो। यह इतने बड़े बम नहीं है कि जेब में या शरीर के कपड़ों में न छुपाए जा सके। देवराज ने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा। 8:30 बजे थे। हमारे पास 1/2 घंटा है, तब तक एक एक कप चाय पी ली जाए। 9 बजे हम यहाँ से कार में एक साथ निकलेंगे। 40 मिनट का रास्ता है वजीरचंद प्लेस का। 9:40 पर हम बैंक के सामने होंगे। मैं तुम लोगों को बैंक से पहले ही उतार दूंगा। पैदल ही तुम लोग बैंक की तरफ बढ़ोगे और काम खत्म करने के बाद हम लोगों की मुलाकात शाम को इसी जगह 6 बजे होगी, ताकि अगले दिन यानी कि कल 1 तारीख को होने वाली डकैती की योजना पर बातचीत की जा सके। जगमोहन बिना देर किए जल्दी से चाय बना लाओ। जगमोहन किचन की तरफ बढ़ गया। तभी मंगल पांडे बोला, मुझे रिवॉल्वर चाहिए, आज ज़रूरत पड़ सकती है। डालचंद तो आया नहीं। डालचंद 9 बजे ही बैंक की निगरानी पर पहुंच चुका है, देवराज चौहान ने पांडे को देखकर कहा। वहीं तुम्हें रिवॉल्वर मिल जाएगी। वहां पर मैं डालचंद को कहां ढूंढता फिरूंगा? मंगल पांडे की बात सही थी। तुम लोगों में किसके पास रिवॉल्वर नहीं है? देवराज चौहान ने सबको देखा। मेरे पास नहीं है, उस्मान अली बोला। तुम्हारे पास है? देवराज चौहान ने नीना पाटेकर को देखा। हाँ, पाटेकर ने सिर हिलाया। देवराज चौहान उठा और दूसरे कमरे में चला गया। चंद ही पलों में वापस आया तो हाथों में 2 भरी रिवॉल्वरें थी, एक उस्मान अली को दे दी और दूसरी मंगल पांडे को देकर कुर्सी पर बैठ गया। जगमोहन चाय ले आया, सब ने चाय पी। उसके बाद जगमोहन, उस्मान अली, मंगल पांडे और नीना पाटेकर ने 3-3 बम लेकर अपनी जेब में डाल लिए। अब वह सब चलने को तैयार थे। फिर सब बाहर निकले। देवराज चौहान ने दरवाजे पर ताला लगाया और कार में बैठकर सब वहां से वजीरचंद प्लेस की तरफ रवाना हो गए। तभी उस्मान अली बोला, डालचंद बैंक पर 9 बजे क्यों पहुंचा? यह देखने के लिए। हमारे वहां पहुंचने तक वहां का और आसपास का माहौल रोजमर्रा की भांति है या कुछ ठीक नहीं है। 5.5 करोड़ की रकम बड़ी है, सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम भी हो सकते हैं जो हमेशा नहीं होते होंगे, देवराज चौहान ने जवाब दिया और सिगरेट सुलगा ली। 10 मिनट बाद लाल बत्ती पर कार फंस गई। चौराहे पर 2 कारों की टक्कर हो गई थी, जिसके कारण सड़क पर वाहनों का जमघट होता जा रहा था। अचानक आई इस मुसीबत को देखकर सब हड़बड़ा उठे। देवराज चौहान ने घड़ी देखी, 9:15 बज रहे थे। साला ट्रैफिक भी अभी जाम होना था। गलती की, हमें 8:30 बजे ही निकल चलना चाहिए था, जगमोहन दांत पीसकर कह उठा। ट्रैफिक जाम ना होता तो देर ना होती। ज्यादा देर चक्का जाम रहा तो वक्त पर हमारा पहुंचना कठिन हो जाएगा, दांत पीसकर नीना पाटेकर बोली।
मेरे ख्याल में हमें कार छोड़कर चौराहे के आगे टैक्सी पकड़ लेनी चाहिए, उस्मान अली बोला। ऐसा करके हम समय पर वहाँ पहुँच जाएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? जगमोहन देवराज चौहान से बोला। कोई फायदा नहीं, सुबह का समय है, कोई खाली टैक्सी भी नहीं मिलेगी, और क्या मालूम चौराहे के आसपास टैक्सी स्टैंड भी है या नहीं। देवराज चौहान ने अपनी बेचैनी को दबाकर कहा, शांति से बैठो, सुबह का समय है, ऑफिस टाइम है, ट्रैफिक ज़्यादा देर जाम नहीं रहेगा। ज़्यादा देर हो गई तो? उस्मान अली व्याकुलता से बोला। जिस बात का हल हमारे पास नहीं है उसके बारे में सोचना बेमानी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, रास्ता खुलने का इंतज़ार करो। देवराज चौहान ने आसपास जमे हुए ट्रैफिक पर निगाहें डालकर कहा। सब भीतर ही भीतर क्रोध में धधकते कार में बैठे रहे, जाम ट्रैफिक को इस तरह देख रहे थे कि आंखों ही आंखों में उसे भस्म कर देंगे। लगभग 20 मिनट बाद जाम ट्रैफिक का रास्ता खुला। तब तक चौराहे के आसपास इतना ज़्यादा ट्रैफिक इकट्ठा हो चुका था कि उन्हें वहाँ से निकलने में 10 मिनट लग गए। हमें 20 मिनट देर हो गई है, मंगल पांडे गुर्रा उठा। देवराज चौहान ने कार तूफानी गति से दौड़ा दी। सबके दिल धड़क रहे थे, अब क्या होगा? कहीं बैंक वालों ने नोटों को वैन में लादना तो शुरू नहीं कर दिया, क्योंकि ऐसे काम बैंक खुलते ही शुरू हो जाते हैं। 10:15 पर वह लोग वजीर चंद प्लेस पहुंचे। देवराज चौहान ने कार को बैंक से पहले ही रोका। तुम लोग दाएं बाएं फैल जाओ, देवराज चौहान जल्दी से बोला। मैं डालचंद से मिलकर लाइन क्लियर का पूछता हूँ, फिर इशारा करूँगा काम शुरू करने का। देवराज चौहान के कहने की देर थी कि नीना पाटेकर, मंगल पांडे, उस्मान अली और जगमोहन कार से निकलकर वजीर प्लेस के पीछे वाले हिस्से में मौजूद हिंदुस्तान बैंक के अहाते में फैल गए। देवराज चौहान सड़क के किनारे कार खड़ी करके नीचे उतरा और टहलता हुआ आगे बढ़ा। उसकी निगाहें डालचंद को खोज रही थी। वह जल्द से जल्द डालचंद से बात करना चाहता था। कुछ ही क्षणों में उसे डालचंद नजर आया, जो बैंक की दीवार से सट कर खड़ा सिगरेट पी रहा था। देवराज चौहान को देख कर वह संभला। देवराज चौहान उसके समीप पहुंचा। तुम लोग बहुत देर से पहुंचे, मैं तो सोच रहा था नहीं आओगे, धीमे से डालचंद बोला। ट्रैफिक में फंस गए थे, अब कोई फायदा नहीं। क्या मतलब? बैंक अहाते में खड़ी वैन देख रहे हो? देवराज चौहान ने बैंक के अहाते में खड़ी बैंक वैन की तरफ निगाह मारी। मेटाडोर वैन के साइज से जरा सी बड़ी थी। तुम्हारा कथित 5.5 करोड़ उसमें पहुँच गया है क्या? देवराज चौहान चौंका। हाँ, 10:05 पर ही बैंक वालों ने अपना काम शुरू कर दिया था। उस बैंक वैन में 4 मोटे बोरे सामान थैले और 2 काले रंग के बड़े बड़े ट्रंक वैन में रखे गए हैं। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। बीच में एक बार सूसू करने गया था, फिर वापस आकर जम गया था। देवराज चौहान ने दांत पीसकर वैन को देखा। वैन के करीब गनों सहित 2 पुलिस वाले खड़े थे, जो सतर्क से खड़े थे। वैन जाएगी तो यह 2 पुलिस वाले ड्राइवर के बगल में बैठेंगे, डालचंद ने गहरी सांस लेकर कहा। अब कोई चांस नहीं है, 5.5 करोड़ वैन में पहुंच गया है। अब बमों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। बम वैन पर पड़ेंगे तो वैन में रखे नोट जलकर राख हो जाएंगे, और अगर वैन पर बम नहीं फेंका गया तो चाहे कितनी भी तबाही क्यों न मचे, यह लोग वैन को लेकर ही जाएंगे। यानी कि अब किसी भी सूरत में वैन में मौजूद रुपया बैंक के भीतर नहीं पहुंचाया जा सकता। मतलब साफ है कि कल हमें डकैती में सिर्फ 4 करोड़ रुपया ही हासिल होगा। देवराज चौहान के जबड़े सख्ती से भिजे हुए थे, निगाहें वैन पर। वैन के भीतर 4 बड़े बैग और 2 बड़े बड़े ट्रंक हैं। हाँ, और तो कुछ नहीं, और क्या होगा? वैन का दरवाजा भीतर से बंद है या खुला हुआ? मेरे सामने तो बाहर से बंद नहीं किया, इस बात पर मैंने ध्यान भी नहीं दिया। देवराज चौहान कई पलों तक वैन को घूरता रहा। वैन ड्राइवर कहाँ है? बैंक में गया है, एंट्री करने गया होगा कि वह वैन ले जा रहा है। आओ मेरे साथ। देवराज चौहान डालचंद के साथ बैंक के अहाते से बाहर निकला, साथ ही खास ढंग से इशारा करता आया था। उसके इस इशारे के कारण नीना पाटेकर, जगमोहन, मंगल पांडे और उस्मान अली उनके पीछे पीछे बाहर आ पहुंचे। क्या हुआ? नीना पाटेकर ने पूछा। हम लेट हो गए, 5.5 करोड़ बैंक अहाते में खड़ी बैंक वैन में लादा जा चुका है, कुछ ही मिनटों में वैन रवाना होने वाली है। दिल तो चाहता है शहर के ट्रैफिक को आग लगा दूं, मंगल पांडे गुर्राया। वैन को तबाह कर देते हैं कि यहाँ से जा ही ना सकें, जगमोहन बोला। नहीं, मंगल पांडे ने फौरन कहा,
एक भी बम वैन पर पड़ गया तो वैन का ऐसा भट्टा बैठेगा कि पूरे तो नहीं आधे नोट बेकार हो जाएंगे, जल जाएंगे। पांडे ठीक कह रहा है, देवराज चौहान ने कहा। अब बैंक वैन में पहुंच चुके नोटों को वापस बैंक में पहुंचाना आसान नहीं है। हम चाहते थे कि नोट बैंक से बाहर ही न निकले ताकि कल हम इकट्ठे ही 9.5 करोड़ पर हाथ मार सकते, तो अब क्या किया जाए, नीना पाटेकर बोली। सबके चेहरों पर लुटे पुटे भाव उभरे पड़े थे। एक रास्ता है। क्या? सबके होठों से निकला। इस वैन को बिना देरी किए हमें उड़ा लेना होगा। क्या? सब चौंके। इसमें 5.5 करोड़ रुपया है, देवराज चौहान बोला। इसलिए और कल की डकैती? उस्मान अली के होठों से निकला। वह भी होगी, देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर कह उठा। मैं हर हाल में 9.5 करोड़ रुपया इकट्ठा अपनी आंखों के सामने देखना चाहता हूँ। मैं किसी भी कीमत पर इस वैन को उड़ाना चाहता हूँ। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे तो कभी बैंक वैन को देखते। तुम लोग खामोश क्यों हो? यह सोचने का वक्त नहीं है, देवराज चौहान बोला। मुझे तुम्हारा आइडिया पसंद आया, नीना पाटेकर बोली। इससे बेहतर रास्ता और कोई हो ही नहीं सकता, मंगल पांडे बोला। लेकिन वैन को उड़ाएंगे कैसे? उस्मान अली बोला। सामने वैन खड़ी है, हमारी जेबों में बम है, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला। बमों के दम पर हम दहशत फैलाकर वैन को उड़ा ले जा सकते हैं। वैन के पास पास सिर्फ 2 पुलिस वाले हैं, उन्हें भगाने के लिए बमों की आवाज ही काफी है। जगमोहन ठीक कहता है, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। 2 बम बैंक के करीब, 2 बैंक के अहाते में, 2 बैंक के बाहर और 2 वैन को जब हम लेकर भागे तो तब फेंके जाए। दहशत फैलाने के लिए इतना ही काफी रहेगा। सबका ध्यान फटते बमों और अपनी जान बचाने की तरफ होगा, तब किसी को वैन देखने का ध्यान ही नहीं होगा। सब ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन वैन को लेकर जाएगा कौन? डालचंद। डालचंद जोर से चौंका। मैं? हाँ, तुम। देवराज चौहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब बम फेंके जाएंगे तो इसी आपाधापी में तुम वैन उड़ाकर उसी जगह ले जाओगे जो जगह कल शाम तुमने देखी थी। डालचंद ने झटके के साथ देवराज चौहान का हाथ अपने कंधों से हटाया। मैं यह काम नहीं करूंगा, डालचंद तीव्र स्वर में बोला। धीरे बोल, पांडे ने दांत पीसे। इस समय तू अपनी माँ के घर में नहीं बैठा। डालचंद, तुम रेसर हो, वैन को तेजी से भगाकर कम समय में ठिकाने पर पहुंचा सकते हो, और अब कम समय ही लेना हमारे लिए। देवराज चौहान, डालचंद गहरी सांस लेता हुआ कह उठा। मैं किसी भी कीमत पर बलि का बकरा नहीं बनूंगा, मुझे खामखा मरना पसंद नहीं। बलि का बकरा? और नहीं तो क्या? बमों के धमाकों के बीच मुझे बैंक वैन को उड़ा ले जाना होगा। ऐसी बैंक वैन जिसे मीलों दूरी से ही पहचाना हो सकता है, उसे लेकर मुझे भीड़ भरी सड़कों पर भगाना होगा, जबकि 2 मिनट में पूरे शहर में पुलिस वालों को वायरलेस पर खबर मिल जानी है कि कोई 5.5 करोड़ से भरी बैंक वैन को ले उड़ा है। वैन के यहाँ से चलते ही 3 मिनट शहर की तमाम पुलिस ने वैन की तलाश में लग जाना है, और बीच रास्ते में कहीं भी पुलिस मुझे गोलियों से छलनी कर देगी। इस वैन को हाथ लगाकर मैं बलि का बकरा बनना नहीं चाहता। अगर तुम में से किसी को इस मामले में ज्यादा खुरक है तो वह वैन को खुद दौड़ा ले, मैं नहीं चलाऊंगा। सब ने गंभीर निगाहों से एक दूसरे को देखा। डालचंद गलत नहीं कह रहा था। वैन के यहाँ से चलते ही शहर भर के सारे पुलिस स्टेशनों और गश्ती गाड़ियों को वायरलेस पर खबर मिल जाएगी। हर किसी ने सड़क पर आकर वैन को तलाश करने लग जाना है। यहाँ से फार्म का रास्ता 1/2 घंटे का था, और 1/2 घंटे में ऐसे माहौल में करीब 10 बार तो पुलिस से टकराव होना जरूरी था, और टकराव भयंकर भी हो सकता था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा डालचंद, नीना पाटेकर बोली, लेकिन ऐसे मौके को छोड़ा भी नहीं जा सकता। वैन मैं ले जाऊंगी, मैं ड्राइव करूंगी। तुम? उस्मान अली चौंका। हाँ, 5.5 करोड़ की रकम को छोड़ देना मेरा मन गवारा नहीं करता। जान गई तो भगवान की मर्जी, बच गई तो फिर दौलत की कमी नहीं। सब नीना पाटेकर को देखने लगे। नहीं वैन, तुम नहीं, डालचंद ड्राइव करेगा, बोला ना। देवराज चौहान की बात काट कर डालचंद दांत भींच कर बोला, मैं किसी भी कीमत पर बलि का बकरा नहीं बनूंगा। प्राइवेट गाड़ी होती तो जुदा बात थी, 5.5 करोड़ के नोटों से भरी सरकारी गाड़ी को सड़कों पर ले भागना हरगिज नहीं। अभी मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अपनी बीमार माँ का इलाज कराना है, जवान बहन की शादी करनी है। मुझे कुछ हो गया तो?
उनके लिए ही तो मैं बैंक डकैती में शामिल हुआ हूँ, वरना मेरा क्या है, जैसे तैसे अपना पेट भर लेता। तुम ठीक कह रहे हो, देवराज चौहान जल्दी से बोला, हम किसी भी हालत में नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ हो। डालचंद, अपने दिमाग से यह निकाल दो कि हम सब तुम्हें बलि का बकरा बना रहे हैं। वैन में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम? हाँ, वैन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। रास्ते में आने वाले खतरे से निपटने की पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी मौत बाद में हो और मेरी पहले। तुम्हारे साथ मैं भी बलि का बकरा बनूंगा। देवराज चौहान, यह सब करना खुद को मौत के मुंह में, मैं जानता हूँ, मुझे समझाओ मत। जब मौत ना आई हो तो मौत का भी मुंह बंद हो जाता है। इंसान कैसे बच गया वह जान ही नहीं पाता। हौसला रखो तुम, मैं वैन में चलूंगी, नीना पाटेकर बोल पड़ी। देवराज चौहान ने सख्त निगाहों से उसे देखा। जब तक मैं ना कहूँ इस मामले में कोई खामखा ना बोले। नीना पाटेकर ने पुनः कुछ भी नहीं कहा। जगमोहन, यहाँ पर 8 बम इस्तेमाल होंगे, बाकी बचे 4। 2 तुम अपनी जेब में रखो और 2 मुझे दो। तुम कार में वैन के पीछे आओगे। अगर रास्ते में कोई बड़ा खतरा आता है तो बमों के दम पर तुम उस खतरे को दूर करोगे। लोगों की निगाहों से छिपाकर 2 बम उन लोगों से लेकर अपने कपड़ों के हवाले किए, 2 जगमोहन ने अपनी जेब में सुरक्षित कर लिए। तुम लोग वैन को लेकर जाओगे कहाँ? मंगल पांडे अचकचा गया। हमारे पास ठिकाना है। वह ठिकाना हमें भी तो मालूम हो। देवराज चौहान ने मंगल पांडे की आंखों में झांका। क्यों मालूम होना चाहिए तुम्हें? मंगल पांडे ने कुछ कहना चाहा, फिर खामोश हो गया। अब काम शुरू करो, नीना पाटेकर बोली। सब बेचैन और व्याकुलता के सागर में गोते लगा रहे हैं। जिसे ठिकाने के बारे में जानना होगा वह मुझसे पूछेगा। अगर यह लोग वैन उड़ा ले गए तो हमें धोखा दिया तो? मंगल पांडे धीमे स्वर में कुर्रा उठा। तो तुम दोगे मुझे हिस्सा? तब तो मैं तेरे को ऐसा हिस्सा दूंगी कि तू पैदा होने पर पछताएगा, नीना पाटेकर दरिंदगी से भरे स्वर में गुर्रा उठी। पांडे, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा, अपने गंदे ख्यालों को अपने दिमाग में ही ठूस कर रख, वक्त नहीं है, वरना तुझे अच्छी तरह जवाब देता। लेकिन इसके बाद हम मिलेंगे कहाँ? उस्मान अली बोला। शाम को मेरे ठिकाने पर, देवराज चौहान ने कहा। अब तुम लोग फैल जाओ और जिस तरह मैंने बमों को फेंकने के लिए कहा है वैसे ही करो। तुम मुझे मरवा कर ही रहोगे। डालचंद ने कातर भाव से देवराज चौहान को देखा। उसकी बात पर ध्यान न देकर देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा, तुम जाकर सड़क के किनारे मौजूद कार में बैठो, वैन के चलते ही सावधानी से पीछे लग जाना, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जगमोहन ने सिर हिलाया और पलट कर कार की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान के इशारे पर अन्य भी वहां से हट गए। आओ, देवराज चौहान ने डालचंद को देखा, जल्दी ही वैन की तरफ बढ़ो, वैन का ड्राइवर कभी भी आ सकता है। उसी पर वैन का ड्राइवर बैंक से बाहर निकला, उसके साथ बैंक का कोई कर्मचारी भी था। दोनों बातें करते हुए वैन की तरफ बढ़ रहे थे। डालचंद, उनके आने से पहले ही हमें वैन में बैठना है, जल्दी। देवराज चौहान और डालचंद तेजी से वैन की तरफ दौड़े। अगले ही पल वहाँ बम के तेज धमाके गूंज उठे, धुआं धूल का गुब्बार, ढहती हुई दीवार, पल भर में ही वहाँ भूकंप जैसा माहौल बन गया। वैन का ड्राइवर चौंका, साथ में आया बैंक कर्मचारी भी। हजारी लाल, बैंक कर्मचारी चीख कर बोला, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम वैन को अपने कब्जे में ले लो, मैं भीतर जाकर खबर करता हूँ। जी साहब, हजारी लाल ने जेब में सरकारी रिवॉल्वर निकाली और वैन की तरफ भागा। तभी अहाते की दीवार पर बम पड़ा, दीवार के परखच्चे उड़ गए, कई छोटे छोटे टुकड़े हजारी लाल के जिस्म से टकराए, हजारी लाल के होठों से करहा निकल गई, परंतु उसने वैन की तरफ बढ़ना न छोड़ा। बमों के धमाके रह रहकर गूंज रहे थे। देवराज चौहान और डालचंद उन धमाकों से बचते हुए वैन तक पहुंचे थे। जो ही डालचंद वैन का ड्राइविंग डोर खोलकर बैठने लगा, उसी समय हजारी लाल उसके सिर पर आ पहुंचा और बदहवासी में चीखा, अबे क्या करता है, वैन से परे हट, कहकर उसने डालचंद की बात थामी। चारों तरफ धूल ही धूल का आलम था, कठिनता से एक दूसरे का चेहरा देखा जा रहा था। वह लोग अपने हिसाब से बम के धमाके किए जा रहे थे। ड्राइवर हजारी लाल ने जब डालचंद की बांह पकड़ी तो डालचंद सकपका गया। अबे छोड़, यह कोई मुझे पकड़ने का टाइम है, हट जा पीछे, मैं तुम्हें वैन नहीं ले जाने दूंगा। हजारी लाल ने कसकर उसकी बांह थाम ली और हाथ में पकड़ा रिवॉल्वर उसके सामने कर दिया।
रिवाल्वर अपनी ओर तना पाकर डालचंद सिटपिटा गया। साले, रिवाल्वर पीछे कर। डालचंद गला फाड़कर चिल्लाया, तू वैन से पीछे हो जा, मैं रिवाल्वर पीछे कर लूंगा। जितना डालचंद घबराया हुआ था उतना ही ड्राइवर हजारी लाल घबराया हुआ था। मैं तुझे नहीं मारूंगा, छोड़ दूंगा, भाग जा यहाँ से, हजारी लाल चीखे जा रहा था। अपनी जिंदगी की सर्विस में मैंने कभी गोली नहीं चलाई, कभी ऐसा हादसा नहीं आया, तू मुझे मजबूर मत कर कि मुझे गोली चलानी पड़े, भाग जा यहाँ से। समय कम था और यह भूत पीछा नहीं छोड़ रहा था, बमों के धमाके जारी थे। तू अपनी जान का दुश्मन क्यों बना है, डालचंद चीखा। देखा नहीं, बमों के फटते ही वैन के पास मौजूद दोनों पुलिस वाले कहीं जा छिपे हैं, वह समझदार हैं। मैं भी बहुत समझदार हूँ, तू अपनी बता, गोली मारूं? वैन में बैठकर क्या करेगा, आसपास मेरे साथी हैं, वह एक बम वैन पर मारेंगे तो वैन के साथ साथ तू भी मरेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, यह वैन आर्म्स प्रूफ है, एक बार भीतर बैठकर इसकी खिड़कियां शीशे बंद कर लिए तो यह सुरक्षित हो जाएगी। मेरा एहसान मान कि मैं तुझे मार नहीं रहा, किसी की जान लेने को मन नहीं करता। डालचंद समझ गया कि यह आदमी उसका वक्त बर्बाद कर रहा है, एक एक पल कीमती था और यह आराम से बातों में लगा है। पल भर में ही न जाने उसमें कहां से हिम्मत आ गई। धुएं के गुबार फैले ही थे, जहां नहीं फैले थे वहां धूल उड़ रही थी। डालचंद ने जेब में हाथ डाला, मंगल पांडे वाली रिवॉल्वर जेब से निकाल ली और उसकी नाल ड्राइवर हजारी लाल की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। आखिरी पल में हजारी लाल को एहसास हुआ कि क्या होने जा रहा है। हजारी लाल कुछ भी नहीं कर सका और गोली उसकी छाती में लगी, वह उछला और पीठ के बल नीचे जा गिरा। डालचंद ने रिवॉल्वर जेब में डाली और अगले ही पल वह ड्राइविंग सीट पर जा बैठा था। देवराज चौहान तब तक दूसरी तरफ जा बैठा था। दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो वैन की, यह आर्म्स प्रूफ बुलेट प्रूफ है, हमें कुछ नहीं होगा। तुम्हें किसने बताया कि यह आर्म्स प्रूफ है, वैन के ड्राइवर ने। कहने के साथ ही डालचंद ने वैन स्टार्ट कर दी और गोली की रफ्तार से उसे दौड़ा दी। आसपास छिपे पुलिस वालों ने वैन को अपनी जगह से हिलते पाकर वैन पर गोलियां दागी। वैन की विंड स्क्रीन पर गोलियां लगी और गायब हो गई। आर्म्स प्रूफ वैन का होना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, देवराज चौहान दांत भींचकर बोला। इससे हमारे लिए 50% खतरा कम हो गया है, रास्ते में मिलने वाले पुलिस वालों का मुकाबला करने में आसानी होगी। डालचंद ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं, वैन को हवा की रफ्तार से भगाया जा रहा था। रास्ते में कई जगह एक्सीडेंट होते होते बचा। देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे खामोश बैठा था, वह जानता था कि डालचंद की ड्राइविंग इसी तरह खतरनाक होगी। उसने डालचंद पर निगाह मारी जो होठों पर होठ जमाए बैठा था। अब तक पुलिस वालों को खबर मिल गई होगी, डालचंद बोला। हाँ, पुलिस वालों के पास वायरलेस सेट खड़क रहे होंगे, तुम सिर्फ ड्राइविंग पर ध्यान दो और किसी बात की फिक्र मत करो। ड्राइविंग पर ध्यान तो मैं आंखें बंद करके भी दे सकता हूँ, डालचंद एक एक शब्द चबाकर कह उठा। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। क्या? मेरे हाथों खून हो गया इस वैन के ड्राइवर का, पुलिस मुझे पकड़ सकती है। बेवकूफी वाली बात मत करो, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। इन कामों में कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है, रास्ते में पुलिस के हाथ लग गए तो वह रिवॉल्वर मुझसे बरामद कर सकती है। अपनी रिवॉल्वर मुझे दो और तुम मेरी रख लो, भगवान न करे ऐसा वक्त आ भी गया तो पुलिस तुम पर ड्राइवर के कत्ल का इल्जाम नहीं लगा पाएगी, क्योंकि जिस रिवॉल्वर की गोली से ड्राइवर मारा गया है वह तो मेरे पास से बरामद होगा। डालचंद ने बिना कुछ कहे रिवॉल्वर बदली और अपनी जेब में डालते हुए खतरनाक अंदाज में मोड़ काटा। अभी तक पुलिस की कोई गाड़ी नहीं मिली, डालचंद बोला। चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारी यह तमन्ना पूरी होगी, पुलिस वाले शहर के हर खास रास्तों की नाकाबंदी कर रहे होंगे, तुझे उनके ऐसे दर्शन होंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा, देवराज चौहान ने कटु स्वर में कहा। चंद पलों की खामोशी के बाद डालचंद बोला, मैंने बहुत बुरा किया। क्या? उस ड्राइवर को मारकर, वह बहुत शरीफ आदमी था, उसने मेरी बाँह पकड़ रखी थी, उसकी रिवॉल्वर मेरी तरफ थी, वह गोली भी चला सकता था परंतु नहीं चलाई, कहता था उसने कभी गोली नहीं चलाई इसलिए अब भी नहीं चलाना चाहता, वह मुझे भगा रहा था कि मैं वहां से चला जाऊं, वह मुझे छोड़ रहा था लेकिन मैंने उसे गोली मार दी। तुम उसे शूट ना करते तो आखिरकार उसने तुम्हें शूट कर देना था, डालचंद ने सहमति से सिर हिलाया। भूल जा सब बातों को, तूने निर्दोष की हत्या नहीं की,
बल्कि ऐसे इंसान को गोली मारी है जिसने रिवॉल्वर पकड़ रखी थी और कभी भी वह तेरे को गोली मार सकता था। उसे मारकर तूने अपनी जान बचाई है। कुछ भी हो, उसे मारने का दुख मुझे हमेशा रहेगा। वह शरीफ आदमी था। डालचंद ने गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाई। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। डालचंद तूफानी गति से वैन को भगाए जा रहा था। कार में तुम्हारा साथी जगमोहन आ रहा होगा, डालचंद बोला। हाँ, वैन की रफ्तार को वह पकड़ लेगा, कह नहीं सकता। तुम सामान्य गति से डबल स्पीड पर बल्कि उससे भी ज्यादा तेजी से चला रहे हो। बहरहाल वह पीछे ही होगा। डालचंद सिर हिलाकर रह गया। तभी सामने लाल बत्ती आ गई। डालचंद के होठ भींच गए। लाल बत्ती के पास दो कारें बराबर खड़ी थी। साले मरेंगे, डालचंद एकाएक क्रूर स्वर में बड़बड़ा उठा। फिर देवराज चौहान से बोला, संभल कर, टक्कर लगेगी। देवराज चौहान ने डोर हैंडल को कस कर पकड़ लिया। अगले ही पल बैंक वैन दोनों कारों से पीछे से टकराई। दोनों कारों को जबरदस्त झटका लगा। एक आगे जाकर रुकी, दूसरी बाईं तरफ घूमती हुई फुटपाथ से जा टकराई। डालचंद वैन को आगे भगाता चला गया। चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस वालों ने अपनी मोटरसाइकिल संभाली और वैन के पीछे लगा दी। परंतु वैन की गति देखकर मन ही मन पुलिस वाला सोचने लगा कि क्या वैन को वह पकड़ भी पाएगा या नहीं। पुलिस सायरनों की आवाज कुछ इस प्रकार से गूंज रही थी कि ऐसा महसूस हो रहा था कि दिमाग की नसें फट जाएंगी। वह करीब 6 गाड़ियां थी जो सड़क के बीचों बीच घेराबंदी करके खड़ी थी। बैंक वैन किन किन रास्तों को पार करती हुई सड़क पर आगे बढ़ रही थी, यह खबर उनको बराबर मिल रही थी और उसी के आधार पर उन 6 पुलिस वैनों ने सड़क को घेर लिया था। उन्हें विश्वास था कि कुछ ही पलों में वैन इसी सड़क से गुजरेगी और यहाँ करीब 50 पुलिस वाले गनों सहित पोजीशन लिए हुए और आती बैंक वैन को पकड़ लेने का दृढ़ निश्चय किए हुए थे। उन्हें वायरलेस पर खबर मिल चुकी थी कि किस प्रकार लुटेरे बैंक वैन को ले उड़े हैं और उसमें 5.5 करोड़ के नोट हैं। तभी जीप में वायरलेस पर बैठा कांस्टेबल जीप से गर्दन बाहर निकाल कर गला फाड़कर जोर से चीखा, सर अभी अभी मैसेज मिला है कि वैन इधर ही आ रही है। उसकी बातें सुनते ही वहां मौजूद 2 में से एक इंस्पेक्टर चिल्लाया, वैन इसी तरफ आ रही है और हमने हर हाल में वैन को रोक कर उस पर कब्जा करना है। वह लोग जिंदा हाथ न लगते तो गोलियों से भून दो। सारे पुलिस वाले अलर्ट हो गए। पोजीशन उन्होंने पहले ही ले रखी थी। कुछ क्षणों उपरांत दूर उन्हें वैन आती दिखाई दी। सावधान, वैन आ रही है, पुलिस इंस्पेक्टर चिल्लाया। वैन गोली की रफ्तार से पास आती जा रही थी। कुछ करीब पहुंची तो उसके वैन होने की स्पष्ट झलक मिली। यह वही बैंक वैन है, इंस्पेक्टर चिल्लाया। जाने ना पाए, पहले रोको, पकड़ो, बेबस करो, जब कुछ न हो सके तो उड़ा दो सबको। वैन तेजी से पास आई, ब्रेकों की चरमराहट गूंजी। वैन रुक गई। पुलिस वैनों ने रास्ता कुछ इस प्रकार बंद कर रखा था कि निकलना कठिन ही था। वैन रुकते ही पुलिस वालों ने वैन को घेर लिया। अब क्या किया जाए, वैन के भीतर बैठा डालचंद गहरी सांस लेकर बोला, इन लोगों ने हमें घेर लिया। तुमने कहा था वैन आर्म्स प्रूफ है, देवराज चौहान बोला। हाँ, फिर चिंता की कोई बात नहीं। इन लोगों को यह बात मालूम नहीं होगी कि वैन पर गोली असर नहीं करेगी। मालूम होते ही इनके हौसले पस्त हो जाएंगे। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने वैन का शीशा इतना नीचा किया कि उसमें से रिवॉल्वर की नाल बाहर निकाल सके। फिर उसमें से रिवॉल्वर की नाल बाहर निकाल कर फायर कर दिया। गोली एक पुलिस वाले के कंधे पर लगी। तुम लोग चारों तरफ से घिर चुके हो, इंस्पेक्टर क्रोध भरे स्वर में बोला। मैं पहली बार और आखिरी वार्निंग देता हूँ, हाथ उठाकर वैन से बाहर आ जाओ। दोनों में से कोई भी बाहर ना निकला तो इंस्पेक्टर गला फाड़कर चिल्लाया, फायर। अगले ही पल वहां गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। जब वैन के शीशों से टकराकर फिसलती देखी तो वास्तव में उनके हौसले पस्त हो गए। वे समझ गए कि वैन के शीशे बुलेट प्रूफ हैं। वैन यहां से निकालो डालचंद, सामने पुलिस जीपों और कारों को जोड़कर सड़क बंद कर रखी है, डालचंद विचार भरे स्वर से कह उठा। अगर मैंने इन्हें टक्कर मारकर पीछे करना शुरू किया तो हो सकता है वैन के इंजन में कोई खराबी आ सकती है। वैन का रास्ता बनाने के लिए पुलिस कारों को कई बार टक्कर मारनी पड़ेगी। फिर देवराज चौहान के होठ भींच गए, तुम बमों का इस्तेमाल करो। एक बम भी किसी कार पर पड़ गया तो सारी की सारी गाड़ियां धू धू चलने लगेंगी, फिर इस वैन का निकलना कठिन हो जाएगा। डालचंद ने होठ भींच लिए।
तो फिर वैन से मार टक्कर, अब जो होगा देखा जाएगा। देवराज ने सिर हिला दिया। डालचंद ने वैन आगे बढ़ाई तो पुलिस वालों की गोलियों की बाढ़ पुनः आई, जो कि उनका कुछ न बिगाड़ सकी। मैं कहता हूँ रुक जाओ, पुलिस इंस्पेक्टर की चेतावनी से भरी खोखली आवाज उनके कानों में पड़ी, जबकि वह जानता था कि बुलेट प्रूफ वैन होने के कारण उसे रोक पाना संभव नहीं। वैन रफ्तार के साथ सड़क के बीच खड़ी पुलिस गाड़ी से जा टकराई। चार बार वैन से जोरदार टक्करें मारने के पश्चात रास्ता खुला। पीछे से पुलिस वाले गोलियां बरसाते ही चले गए, परंतु उनका बिगड़ा कुछ नहीं। अलबत्ता वैन की बॉडी से असंख्य गोलियों के छेद हो चुके थे। पुलिस गाड़ियों को हटाने के चक्कर में वैन का अगला सिरा बुरी तरह पिचक गया था। भगवान का शुक्र था कि वैन के इंजन में कोई गड़बड़ी नहीं आई थी। इससे पहले कि कोई पुलिस कार वैन का पीछा करती, वैन आंधी की रफ्तार से उनकी नजरों से ओझल होती चली गई। रास्ते में दो जगह और भी पुलिस से टकराव हुआ, परंतु वह बचकर निकल गए। अलबत्ता वैन की दशा और भी खराब हो गई। डालचंद कई सड़कों से वैन को दौड़ाता हुआ फार्मों के इलाके में आ पहुंचा। जल्दी करो डालचंद, यह जगह हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर किसी ने बैंक वैन को देख लिया तो देर सवेर पुलिस भी आ जाएगी। डालचंद तेजी से वैन को भगाया जा रहा था। जब वैन फार्म के बाहरी गेट पर पहुंची तो देवराज चौहान ने कहा, ठहरो, फाटक मत तोड़ना, मैं अभी खोलता हूँ। डालचंद ने फाटक के पास वैन रोकी। देवराज वैन से नीचे उतरा और फाटक खोल दिया। फिर वैन के भीतर जाते ही वह बोला, तुम वैन को भीतर ले जाओ, मैं फाटक बंद करके अभी आता हूँ। डालचंद वैन को आगे बढ़ा ले गया। देवराज चौहान ने लकड़ी का फाटक बंद किया और आसपास निगाह मारी। उसे कोई भी नजर नहीं आया। तेज धूप निकली हुई थी। वह पलटा और कॉटेज की तरफ बढ़ गया। डालचंद ने कॉटेज के पीछे बने फूस के पड़े से कमरे में बैंक वैन को घुसेड़ कर रोक दिया। इंजन बंद करके नीचे उतरने लगा कि एकाएक उसका जिस्म स्थिर हो गया। वह सांस लेना भूल गया। कई क्षणों तक वह लकवे के मरीज की भांति सीट पर बैठा रह गया। वैन के पिछले हिस्से में किसी के खांसने की हल्की सी आवाज उठी थी। डालचंद ने धड़कते दिल से गर्दन घुमाकर पीछे देखा। डिब्बा टाइप वैन बंद थी। उसकी पीठ पीछे छोटी सी खिड़की थी। उसने उसे खोलने की चेष्टा की तो वह नहीं खुली। वह समझ गया कि उसे भीतर से खोला जा सकता है। वैन के भीतर कोई था। डालचंद काफी देर तक स्थिर मुद्रा में बैठा रहा, फिर उसका जिस्म हिला और पुष्ट पर बनी छोटी सी खिड़की थपथपाकर बोला, भीतर कौन है? परंतु भीतर से कोई जवाब नहीं आया। वह कांपती टांगों से नीचे उतरा और वैन की बॉडी से टेक लगाकर गहरी सांसें लेने लगा। वैन के भीतर से भी वह आहट लेने का प्रयास कर रहा था, परंतु भीतर से किसी प्रकार की कोई आहट नहीं आई। लेकिन उसे 100% विश्वास था कि भीतर कोई है जरूर। तभी देवराज वहां आ पहुंचा। तुमने ड्राइविंग बहुत अच्छी की, अगर कोई और होता तो वैन को यहाँ तक न पहुँचा पाता। मुझे खुशी है कि मैंने सही आदमी का चुनाव किया है। उसने डालचंद की पीठ थपथपाई। डालचंद ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए देवराज को देखा। वैन में कोई है? डालचंद की शब्द सुनकर देवराज चौंका। यह क्या कह रहे हो? वैन में कोई है, मैंने खांसी की आवाज सुनी है। देवराज ने डिब्बा बंद वैन को चारों ओर घूमकर देखा, फिर पीछे की तरफ खुलने वाले दरवाजे को खोलने की चेष्टा की। दरवाजा भीतर से बंद था। अंदर कौन है? उसने दरवाजा थपथपाया। जवाब में भीतर से कोई आवाज नहीं आई। तब तक डालचंद भी देवराज चौहान के करीब आ चुका था। तुम तो वहां वैन पर निगाह रखे हुए थे, देवराज ने उसे देखा। डालचंद ने सहमति में सिर हिलाया। फिर कोई भीतर हो और बोले ना, यह कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, डालचंद आतंक भरे स्वर में चीख उठा, वैन में कोई है जरूर, मैंने खांसी की आवाज सुनी है, तुम मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? देवराज चौहान ने उसकी बदतर हो रही हालत को देखा। अगर वैन में कोई है भी तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? डालचंद ने उल्टी हथेली से चेहरे पर बहते पसीने को साफ किया और वैन पर निगाह मारकर देवराज चौहान को देखा। याद है मैंने तुमसे कहा था कि बीच में एक बार मैं सुसु करने गया था? तो मेरे जाने से पहले वैन के पास गनों सहित दो गार्ड खड़े थे, बैंक के गार्ड, और जब सुसु करके वापस आया तो वे फिर मुझे नहीं दिखे। तुम्हारा मतलब है कि भीतर गनों को लिए वे दोनों गार्ड हैं? हो सकते हैं। देवराज वैन को देखता ही रह गया। यह बहुत ही खतरनाक बात थी
उनकी वैन बंद करके दो गार्ड भीतर बैठे थे। उनके हाथों में गने थी। अगर वह किसी तरह से वैन का दरवाजा खोल भी ले तो दरवाजा खुलते ही भीतर मौजूद दोनों गार्डों की गनों से निकलने वाली गोलियां उनके जिस्मों को उधेड़ कर रख देंगी। देवराज ने चैन की सांस ली कि अच्छा हुआ वक्त रहते यह बात उन्हें मालूम हो गई, वरना अवश्य ही अनर्थ हो जाता। तभी उन्हें कार के इंजन की आवाज सुनाई दी। देवराज ने जेब से रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले ली और कॉटेज के साथ घूम कर साइड में पहुंचा तो देखा कि आने वाली कार अपनी ही थी। उसे जगमोहन चला रहा था। देवराज वापस वैन के पास आ गया। कौन है? पूछा डालचंदे। जगमोहन, देवराज ने कहा। दोनों खामोशी से खड़े तीखी निगाहों से वैन को घूरते रहे। कुछ ही क्षण में जगमोहन भी वहां आ पहुंचा। क्या बात है? जगमोहन के चेहरे पर प्रसन्नता थी कि 5.5 करोड़ के नोटों से भरी वैन उनके काबू में पहुंच चुकी है। तुम लोग किस सोच में हो? वैन तो अब यहाँ सुरक्षित पहुंच चुकी है। रही मेरी बात तो मैं वैन को पकड़ नहीं पाया क्योंकि वैन की रफ्तार बहुत तेज थी। देवराज ने सिगरेट सुलगाई। जगमोहन, वैन के भीतर कोई है। डालचंद का ख्याल है कि गनों को थामे दो गार्ड भीतर हैं और हम लोगों के लिए ये बात बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकती है। हाँ, ये बैंक के सिक्योरिटी गार्ड होंगे जो बैंक का मोटी मोटी रकमों के साथ उनकी हिफाजत के लिए जाते होंगे। ऐसे गार्ड खतरनाक होते हैं, उनका निशाना पक्का होता है और ऐसे मौकों पर मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं। लेकिन यह तो डिब्बा बंद वैन है, सांस लेने के लिए उन्हें फ्रेश हवा कहाँ से मिल रही होगी? जगमोहन ने कहा। मैंने इस बात पर विचार किया है, देवराज ने सिर हिलाया। मेरे ख्याल में वैन के नीचे से हवा जाने का प्रबंध अवश्य होगा। खैर, यह बात तो हम बाद में भी जान लेंगे। बिना हवा के तो वे लोग भीतर रहने से रहे। तुम भीतर जाकर बैठने के लिए कुर्सियां तो ले आओ, अब हमें यहीं बैठना पड़ेगा। क्या मालूम वह कब दरवाजा खोलकर बाहर निकलें और हम पर गोलियां दागने लगे। वैन के दरवाजे पर ऐसी कोई सिटकनी भी नहीं जिसे हम बाहर से बंद कर सके। इनसे बात नहीं की? कोशिश तो की थी परंतु भीतर से कोई बोला नहीं। बोलेगा? जगमोहन ने घूर कर वैन पर एक निगाह मारी। बिना रोटी पानी के कब तक वे इस प्रकार से भीतर बैठे रहेंगे? जल्दी बोलेंगे यह लोग। कहने के साथ ही जगमोहन पलटा और कॉटेज की ओर बढ़ गया। डालचंद के चेहरे पर बेचैनी और व्याकुलता छाई हुई थी। मुझे उस ड्राइवर की याद आ रही है जिसे मैंने गोली मारी थी, वह धीमे स्वर में कह उठा। वह बहुत ही शरीफ इंसान था, मुझे उसको मारना नहीं चाहिए था। ताकि वह मुझको मार देता? देवराज ने क्रोध भरे स्वर में कहा। डालचंद कंधों को झटका देकर रह गया। कुछ ही क्षण बाद देवराज चौहान, डालचंद और जगमोहन वैन के पिछले हिस्से की तरफ कुर्सियां बिछाए बैठे थे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।